तो चलिए इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स और सॉफ्टवेयर एज अपोज टू द इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स। स्टेटेड सिंपली, AI इज़ ट्राइंग टू मेक कंप्यूटर्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन्स। जो AI है वो कुछ ऐसी मशीन और सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को इंसानों के दिमाग की तरह काम करना व सोचना सिखाते हैं। इट इज़ द बेसिस फॉर मिमिकिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस प्रोसेसेस थ्रू द क्रिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ एल्गोरिथम बिल्ट इनटू अ डायनेमिक कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। इसमें कुछ एप्लीकेशन के ज़रिए से ऐसे कंप्यूटर प्रोसेस किए जाते हैं, उनमें ऐसे चेंजेस लाए जाते हैं कि इंसानी बुद्धिमत्ता की तरह, इंसानी दिमाग की तरह वो काम करने लगते हैं। उसके बाद बात आती है कि हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे कहा जाता है। जॉन मैकार्थी इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जॉन मैकार्थी वॉज एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट। जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं और ये अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉज कॉइंड बाई हिम इन 1955। ये टर्म उनके द्वारा 1955 में दी गई। इन 1956 मैकार्थी एंड अदर्स ऑर्गनाइज अ कॉन्फ्रेंस टाइटल द डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस बिगनिंग लेड टू द क्रिएशन ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। इट ऑल्सो गेव राइज टू अ होल न्यू फील्ड ऑफ स्टडी, डेटा साइंस। 1956 में मैकार्थी और जो बाकी के साइंटिस्ट थे उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी थी और उस कॉन्फ्रेंस का ये नाम रखा था डार्टमाउथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये एक तरह से शुरुआत थी मशीनों की गहराई से बहुत अच्छी तरह से उनको सीखने की। और इसी तरह से इन्होंने इस पूरी दुनिया को डेटा साइंस को समझने के लिए, पढ़ने के लिए एक नया क्षेत्र दे दिया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर्म्स द बेसिस फॉर ऑल कंप्यूटर लर्निंग एंड इज़ द फ्यूचर ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग। जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर सीखने के लिए एक बुनियाद, एक आधार बनाती है और इससे भविष्य में तमाम जो पेचीदा या मुश्किल फैसले हैं वो आसानी से किए जा सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि इसके की कंपोनेंट्स कौन से हैं, कौन से इसके महत्वपूर्ण घटक हैं, तो ये तीनों इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं: कंप्यूटेशनल सिस्टम्स, डेटा एंड डेटा मैनेजमेंट, एडवांस AI एल्गोरिथम। अब इसके कुछ हम एडवांटेजेस मतलब फ़ायदे और डिसएडवांटेजेस नुकसान भी जान लेते हैं। देयर आर सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर गिवन बिलो। नीचे ये दे दिए हैं हमने आपके लिए, इसको भी समझ लेते हैं कि इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे, फर्स्ट क्या है? इट डिफाइंस अ मोर पावरफुल एंड मोर यूजफुल कंप्यूटर। सबसे पहली चीज़ ये है कि ज़्यादा ताकतवर और उपयोगी कंप्यूटर बना सकती हैं। It introduces a new and improved interface for human interaction. Human interaction के लिए, जो इंसानी interaction के लिए, संपर्क के लिए ये बेहतर interface देती हैं। Third है, it introduces a new technique to solve new problems. नई नई जो समस्याएँ आ रही हैं इसको सुलझाने के लिए ये नई नई तकनीकें देती हैं। Fourth, it handles the information better than humans. ये इंसानों से भी बेहतर तरीके से उन इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को हैंडल कर सकती है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज। सूचना को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत उपयोगी है। सिक्स्थ है, इट इम्प्रूव्स वर्क एफिशिएंसी, सो रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ टाइम टू अकम्प्लिश अ टास्क इन कंपेरिजन टू ह्यूमन्स। और इंसानों के मुकाबले में किसी भी काम को पूरा करने में, बहुत अच्छे तरीके से पूरा करने में ये बहुत कम समय लेती हैं। चलिए अब इसके कुछ नुकसान भी जान लेते हैं इसको यूज़ करने के, जिनमें फर्स्ट है, द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट ऑफ AI इज़ वेरी हाई। जो AI को इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सेकंड, द डिफ़िकल्टीज विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर AI इम्प्लीमेंटेशन आर दैट द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ स्लो एंड एक्सपेंसिव। कि बहुत ज़्यादा इस सॉफ्टवेयर को जो डेवलप करने का जो तरीका है वो बहुत स्लो है और बहुत महंगा है। फ्यू एफिशिएंट प्रोग्रामर्स आर अवेलेबल टू डेवलप सॉफ्टवेयर टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और बहुत ही कम ऐसे प्रोग्रामर्स हैं जो इसको डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है, अ रोबोट इज़ वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद देम रिप्लेसिंग जॉब्स एंड लीड्स टू सर्व अनएम्प्लॉयमेंट। कि जो रोबोट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए से बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह काम कर सकते हैं और वो जॉब्स में ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे कि बेरोज़गारी पैदा हो सकती है।
Fourth, machines can easily lead to destruction. If the implementations of machine put in the wrong hands, the results are hazardous for human beings. कि अगर ये मशीन इनका चलाए जाना गलत हाथों में पड़ जाए तो वो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा भी पैदा हो सकता है, तबाही ला सकता है. आई होप इस वीडियो के ज़रिए से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि AI क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं. तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए.